गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पीएफ में आए हुए नए एरर के बारे में सलूशन बताने वाला हूँ। हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे फर्स्ट हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और सर्च करेंगे पीएफ। सर्च करने के बाद फर्स्ट आया हुआ ऑप्शन मेंबर ऑफ द होम, ये ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। क्रोम के साइड में दिए हुए थ्री डॉट पर क्लिक करके हम अपना डेस्कटॉप मोड पे हमारा ब्राउज़र सेट कर देंगे। उसके बाद में हम इधर यूएन नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम साइन अप ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम यूएन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये मेंबर की फुल केवाईसी हो चुकी है तो भी इसे एक एरर मैसेज शो हो रहा है, वो कौन सा है जानिए। लास्ट में दिए गए ऑनलाइन क्लेम ये ऑप्शन पे क्लिक करते फर्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये बॉक्स में हम यूएन पोर्टल में जो बैंक केवाईसी की है वो बैंक नंबर हम इधर ऐड करेंगे। बैंक डिटेल भरने के बाद वेरीफाई ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यस करेंगे। नीचे दिए गए वो ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देख सकते हो वो मेंबर को एक नया एरर शो हो रहा है। ये एरर का सलूशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो एरर में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको भी ऐसा ही सेम एरर आपके यूएन पोर्टल पर शो हो रहा है तो ये वीडियो पूरी देखना, मैं इसमें उसका समस्या का हल बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर के ऑप्शन मैनेज ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और बेसिक डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। आपके सामने एक आपको ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल में दिखाई देगा। उधर नेम ये ऑप्शन के अंदर हम उनका पूरा नाम भरेंगे। उनके आधार कार्ड पर जैसा स्पेलिंग है वैसी सेम स्पेलिंग हम इधर टाइप करेंगे और उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। ये सब होने के बाद में नीचे दिए गए अपलोड ये ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा तो हम यस ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो कि फाइल लोड हो रही है तो हम एक बार फिर से हमारा ब्राउज़र रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही आपके सामने फाइल अपलोड हो जाएंगी। आपको आपके कंपनी में जाके आपके एचआर को कहना है कि आपको जो मेरी पीएफ की रिक्वेस्ट आई है उसे आप अप्रूवल दे दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।